श्री तुलसीदास जी महाराज श्री लक्ष्मण जी की वंदना करते हुए यह पावन पंक्तियां प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना करता हूं। श्री लक्ष्मण जी शीतल हैं, सुंदर हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं। भगवान श्री राघवेंद्र की कीर्ति पताका के लिए दंड के समान है। श्री लक्ष्मण सहस्त्र मुख वाले शेष भगवान हैं, जो भूमि का भय हरण करने के लिए अवतार लेकर पधारे हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कृपा के समुद्र, गुणों के भंडार, सुमित्रा सुमन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदैव कृपा बनाए रखें। इन पंक्तियों में श्री लक्ष्मण जी की वंदना की गई। पहली बात तो यह है कि श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना करने के तुरंत बाद श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री लक्ष्मण जी शीतल हैं। अब यह बड़ी अद्भुत बात है। हम लोग तो यही समझते हैं कि लक्ष्मण जी से अधिक गर्म और कोई नहीं होगा, पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी शीतल है। देखो, लक्ष्मण जी अगर शेष हैं, तो शेष का स्थान तो पाताल में है, और पाताल में जल है, जो जल में रहेगा वह शीतल रहेगा ही। और भी एक दृष्टि से देखें तो भगवान यदि विराट हैं, तो जहां विराट भगवान का वर्णन किया गया, वहां ऐसा कहा गया कि भगवान के चरण ही पाताल हैं। पद पाताल शीस अजधामा, शीस अजधामा, भगवान के चरण पाताल हैं, और ये शेष भगवान पाताल में ही रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मण जी चाहे जिस रूप में रहें, भगवान के चरणों में ही रहते हैं। और एक बात मैं आपसे कहूं कि शेष रूप में रहे तो प्रभु के पद पाताल में रहे, और अवतार लेकर आए तो बारे ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण जी ने जन्म से ही भगवान के चरणों में प्रीति मान ली। इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मण जी भक्त बने नहीं, ये भक्त बने बनाए हैं। ये किसी के कहने से राम जी के चरणों में प्रीति नहीं हुई, सत्संग से नहीं, स्वभाव से। स्वभाव से भाव सिद्ध हैं श्री लक्ष्मण जी, वे भगवान के चरणों के अनन्य अनुरागी हैं। और इसीलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भगवान के चरणों का प्रेमी हो, हम उसके चरणों की वंदना करते हैं। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता। एक बात यह भी कि लक्ष्मण जी भगवान के चरणों से जुड़े हैं, इसीलिए शीतल हैं, क्योंकि भगवान के चरणों से जिन चरणन ते
निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। जिन चरणों से गंगा जी का जन्म हुआ हो, शीतल धारा जिन चरणों से उत्पन्न हुई हो, उन चरणों से जुड़ा हुआ भक्त शीतल ही रहता है। अच्छा, अब एक बात सोचें, लक्ष्मण जी के चरण कमल कहे, बंदों लक्ष्मण पद जल जाता। देखो, ये कमल कहना कोमलता की दृष्टि से तो भावुक हृदय की भावना है कि भगवान के चरण, गुरुदेव के चरण कमल हैं, और यहाँ लक्ष्मण जी के लिए भी बंदों लक्ष्मण पद जल जाता कमल कहा, यह तो ठीक है। लेकिन एक दूसरा कारण भी है, लक्ष्मण जी के चरण कमल हो सकते हैं, लक्ष्मण जी के ही चरण कमल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कमल जल में रहकर भी जल में नहीं रहता, वह जल में रहता तो है पर जल में डूबता नहीं है। इसी तरह लक्ष्मण जी के चरण जगत के जल में तो रहते हैं पर जगत के जल में डूबते नहीं हैं, इसलिए बंदों लक्ष्मण पद जल जाता। क्यों नहीं डूबते? क्योंकि उनके चरण तो सदा भगवान के चरणों के पीछे पीछे चलते हैं, और जो भगवान, इसीलिए लक्ष्मण जी शेष हैं। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप कौन? लक्ष्मण जी बोले हम शेष। और राम जी? लक्ष्मण जी बोले राम जी विशेष, राम जी विशेष हैं, और विशेष के पीछे जो चले सो शेष है, और शेष के आगे जो चले सो विशेष है। लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों के अलावा और किसी से रति मानी ही नहीं, प्रीति मानी ही नहीं। अब रही शीतलता की बात, लक्ष्मण जी सचमुच बहुत शीतल हैं। पता कहां लगा? नामकरण हो रहा था, थोड़ा उस दृश्य को देखें। गुरुदेव पधारे, नामकरण कर अव सर जानी, नामकरण भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी। दशरथ ने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव इनका नाम रखिए जो आपने निश्चय किया। अब बड़े ध्यान से सुना, गुरु जी ने सबसे पहले राम जी का नाम रखा, ठीक है, सो सुखधाम राम असनामा। अच्छा, राम जी के बाद भरत जी का नाम रखा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, यह भी ठीक है। अब भरत जी के बाद बारी तो लक्ष्मण जी की आनी चाहिए, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, पर गुरु जी ने लक्ष्मण जी का नामकरण किया ही नहीं। भरत जी का नामकरण किए राम जी का, राम जी के बाद भरत जी का नामकरण, और भरत जी के बाद सीधे शत्रुघ्न जी का नामकरण। जाके सुमिरन थे रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और लक्ष्मण जी का नाम सबसे बाद में, सबसे बाद में, या यूं कहो कि सबसे नीचे, ऊपर राम जी, फिर भरत जी, भरत जी के बाद शत्रुघ्न जी, और लक्ष्मण जी सबसे नीचे नाम में, सबसे पीछे। गुरु जी से पूछा कि आपने लक्ष्मण जी का नाम सबसे नीचे क्यों रखा? गुरुजी मुस्कुराए कि मेरे वाक्य में ही उत्तर है। उत्तर कहाँ है? का लिखा, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार,
लक्ष्मण जी तो आधार हैं और आधार तो सबसे नीचे ही रहेगा, ऊपर थोड़ा ही रहेगा, आधार के ऊपर ही सब आधारित हैं। तो लक्ष्मण जी ऐसे आधार हैं कि जिस आधार के ऊपर राम जी का चरित्र है, भरत जी का चरित्र है, शत्रुघ्न जी का चरित्र है। लक्ष्मण जी सबके आधार हैं, सकल जगत आधार।